माय फेवरेट टॉप 10 में नंबर 4 पर मेरे पास है मनीला की बिजलियाँ। मनीला की बिजलियाँ एक बड़ी यूनिक फिल्म है और मेरी लिस्ट में तो ये नंबर 4 पर है, लेकिन जान साहब की लिस्ट में नंबर 1 पर थी। है वो कहते थे कि इतनी लेविश फिल्म और इतनी बड़ी फिल्म, इतनी बड़ी कास्ट की और इतनी प्रॉपर शूट हुई हुई फिल्म, पता नहीं मैं दोबारा कभी बना सकूँ ना बना सकूँ। और ये एक वो फिल्म है जिसने मतलब जो डायरेक्टर की फिल्म तो थी ये प्रोड्यूसर की फिल्म भी थी कि उसने प्रोड्यूसर को इतना खुश किया उस फिल्म ने कि कुछ होता है ना, कुछ कमाऊ पूत फिल्में होती हैं, ये उस फिल्म में से थी कि जिसने मतलब आप ये सोचिए कि उसके सिनेमेटोग्राफी जान साहब की अपनी थी, उसमें आर्ट डायरेक्शन उनकी अपनी थी, खुद डायरेक्टर थे फिल्म के, प्रोड्यूसर खुद थे उस फिल्म के, कहानी जलील अफगानी साहब ने लिखी थी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग सैयद नूर साहब के थे, म्यूज़िक एम अशरफ साहब का था और फिल्म में दुनिया जहान की कास्ट थी। ये एक को प्रोडक्शन फिल्म थी जिसको श्रीलंका से सेना समर सिंह साहब ने को प्रोड्यूस किया था और पाकिस्तान से मेरे वाले साहब ने। इसके डिस्ट्रीब्यूटर भी सतीश आनंद साहब थे और कमाल की फिल्म थी। मतलब मेरा ख़्याल है कि इतनी महंगी फिल्म जो है वो जे प्रोडक्शंस में कभी भी नहीं बनी। इसमें इतना बड़ा किला एक लगाया गया था, सिग्रिया रॉक एक श्रीलंका में एक जगह है वहाँ पर, कि जब हम वहाँ मैं ख़ुद था, आई विटनेस हूँ मैं उस फिल्म में शूटिंग पे जब गया तो मैं देख के, मैं छोटा था तो मैं कहता था इतनी बड़ी बड़ी दीवारें, इतना बड़ा बड़ा, ये हम कहाँ आ गए। तो फिर एंड में सारा क्लाइमेक्स में तबाह हुआ। और उसमें फिल्म में कास्ट मतलब मैं आपको बताने आऊँगा तो मैं शायद पूरी बता भी नहीं पाऊँगा, इतनी लंबी चौड़ी कास्ट थी। 5-6 हीरोइनें, 4-5 हीरोज़, अबावल इजार काजी साहब, आबिद अली साहब, कविता बाबर। और इस फिल्म में जो बाबर साहब का जो कैरेक्टर था उसमें पहले गुलाम मद्दीन को साहब को कास्ट किया गया था, लेकिन कुछ डेट्स का इशू हो गया तो गुलाम मद्दीन साहब बड़े पक्के हैं इस बात में ना कि वो अपने जो भी कमिटमेंट पूरा जो कमिटमेंट करते हैं वो पूरा ही करते हैं, तो उनकी कमिटमेंट कहीं और थी। ये डेट्स जो फॉलो हो रही थी ये उनकी कमिटमेंट में नहीं आ रही थी, तो उसकी वजह से वो फिल्म नहीं कर पाए वो। लेकिन जो है वो अगर आप फिल्म देखें, सबीता भी थी इसमें हीरोइन, हुमयूं कुरेशी थे, अदीब थे, नौतन थी। तो ये बहुत लेविश और बहुत बड़ी फिल्म थी। और इसमें जब इस फिल्म का टाइटल है मनीला की बिजलियाँ और ये फिल्म 100% शूट हुई है श्रीलंका में। तो आज तक जो है वो कोई लोग फिल्म देखते हैं तो कोई ये नहीं कह पाता कि यार ये मनीला में नहीं शूट हुई और ये श्रीलंका में शूट हुई। इसमें सिर्फ मनीला में 2 दिन का पैच वर्क किया गया था, उसमें भी कोई एक्टर नहीं गया था, वो सिर्फ कुछ पासिंग्स और सड़कों के शॉट और ये वो कुछ लेने थे। तो वो ड्रेसेस जो है हीरोइनों वगैरह के ले गए और कुछ एक्स्ट्राज वहाँ से हायर किए, उनको पहना के कहीं पासिंग लेनी, कुछ करना, और वो फिल्म में एडजस्ट कर दी अपने हिसाब से। और फिल्म जो है वो बहुत खूबसूरत फिल्म थी। इस फिल्म में जब शूटिंग शुरू हुई इसकी तो मानसून वेदर था श्रीलंका में, तो बहुत ज़्यादा बारिशें थी। तो उस आजकल के दौर में लोग बारिश में शूटिंग बंद कर देते हैं, उस ज़माने में तो बहुत फैसिलिटीज़ कम हुआ करती थी। और ये फिल्म जो है टोटली बड़ी आउटडोर्स में हुई है, तो वहाँ जनरेटर्स वगैरह वो दौर भी नहीं था। तो जान साहब ने कहा कि मैं शुरू के 2-3 दिन कन्फ्यूज़ हो गया कि यार कभी बादल आ जाते हैं, कभी सूरज आ जाता है, कभी बारिश शुरू हो जाती है, कभी अंधेरा हो जाता है। तो मैं मतलब क्या करूं, क्या एक ही सीन चल रहा है उसके अंदर जो है वो मौसम चेंज होता जा रहा है। तो उन्होंने अब एक बिल्कुल नई टेक्निक से इसकी फ़ोटोग्राफ़ी की और उसके बाद उनको इस फिल्म पे फ़ोटोग्राफ़ी पे भी अवार्ड मिला और वो नेशनल अवार्ड्स हो रहे थे इस्लामाबाद में। तो रजा मीर साहब बहुत बड़े सिनेमाटोग्राफ़र, उनके शागिर्द थे कामरान मिर्जा साहब, वो भी बहुत बड़े सिनेमाटोग्राफ़र हैं। तो गाड़ी रजा मीर साहब उतर रहे थे और कामरान मिर्जा साहब उनके साथ थे। तो मेरे वाले साहब जैसे ही वहाँ से गुजरने लगे तो उन्होंने सलाम किया रजा मीर साहब को, तो उनका इधर आओ जान, और कामरान मिर्जा साहब से कहा कि तुमने फिल्म देखी है, तो उनका जी मैंने नहीं देखी। उस ज्यूरी में जो है रजा मीर साहब थे, जो सिनेमाटोग्राफर्स का अवार्ड थे, वो ज्यूरी को हेड करे थे रजा मीर साहब। और कामरान मिर्जा साहब रजा मीर साहब के शागिर्द हैं और कामरान मिर्जा साहब का भी नाम है अवार्ड्स की लिस्ट में, नॉमिनेशंस में, और जान साहब का भी नाम है। तो रजा मीर साहब ने कहा कि तुमने देखी फिल्म, कामरान मिर्जा साहब से? उन्होंने कहा जी नहीं मैंने नहीं देखी। तो उन्होंने कहा यार तूने कुछ नहीं देखा, देख क्या ये फिल्म, कैसी सिनेमाटोग्राफी क्या होती है ये देखो। इतनी खूबसूरत सिनेमाटोग्राफी थी। और उसमें एक एक्फा गेवर्ट ने एक अवार्ड जो है वो दिया मेरे वाले साहब को, उस ज़माने में उन्होंने जो 3.5 लाख रुपये 1987 में सिनेमाटोग्राफी का अवार्ड था खाली।